गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ गोइंग ग्रेट। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। सो अभी हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं कहाँ? जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं, एज आज रथ यात्रा है। तो देखते हैं वहाँ जाके, अगर नॉर्मल पब्लिक को अलाउ कर रहे हैं तो जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वीडियो लेट अपलोड इसलिए हो रहा है क्योंकि संडे को, जैसा कि आप जानते हैं, बारिश हुई थी अहमदाबाद में। उसकी वजह से जैसे ही बारिश होती है ना, मेरा GTPL का कनेक्शन एकदम ठट करके उड़ जाता है। पता नहीं क्या ही कनेक्शन कर रखा है इस एरिया का, जैसे ही बारिश गिरेगी मेरा कनेक्शन चला जाता है। तो अब नेट था नहीं तो, और आप जानते हैं मैं ऑफिस का काम भी करती हूँ, तो मोबाइल हॉटस्पॉट से मैं मेरा ऑफिस का काम कर रही थी। एंड अगर वही नेट अगर मैं वीडियो अपलोड करने में लगा देती तो ऑफिस का काम नहीं कर पाती, इसलिए अभी कनेक्शन आया है तो अभी शूट करके मैं अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, ये रथ है जगन्नाथ जी का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रथ यात्रा था, ये पूरा 10-12 डेज का एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल होता है। सो रथ यात्रा से बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री जुड़ी हुई है, बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन उसमें से मुझे एक दो स्टोरीज कुछ पता है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे मंदिर विजिट किए होंगे तो वहाँ पे जो भगवान की मूर्तियाँ रहती है वो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत सेम रहती है, लेकिन जो जगन्नाथ जी का मुख है ना, जो उनका जो आइडियल है, मतलब इतना अलग है सब भगवान के मंदिरों से। सो उसके पीछे कितनी अमेजिंग और फैसिनेटिंग हिस्ट्री है ना, तो सुनो वो क्या है। तो क्या हुआ था, उस टाइम पे एक किंग थे इंद्रद्युम्न, ठीक है। तो वो किंग जो थे बहुत बड़े डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के, ठीक है। तो बहुत ठीक है बोल रही हूँ मैं। तो क्या हुआ, लॉर्ड विष्णु के बहुत बड़े डिवोटी थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे भगवान के नाम पे ना एक मंदिर बनाना है, एंड The God of Architects is Lord Brahma. So उन्हें Lord Brahma को बहुत पूजा किया कि मुझे भगवान के नाम पे मंदिर बनाना है तो आप मेरे को कुछ रास्ता दिखाओ। तो ब्रह्मा ने बोला तुम विष्णु जी को ही पूजा करो, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा कैसे क्या करना है। तो अचानक से एक दिन सपने में किंग के लॉर्ड विष्णु आए और उन्होंने बोला कि नदी से बह के एक वुड का टुकड़ा आएगा, काठे टुकड़ा एक आएगा, तुम उससे मेरा मूर्ति बनाना। तो किंग बहुत खुश हो गया कि चलो उसको कुछ हिंट मिल गया। तो वो उस नदी किनारे गया एंड वहाँ से जाके वो वुड उसने लिया। अब मटेरियल मिल गया आइडल बनाने का, अब उसको क्राफ्ट कौन करेगा, हु विल क्राफ्ट द आइडल आउट ऑफ दैट वुड। सो उसने दुनिया भर से लोग बुलवाए, वो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए, एंड जैसे ही वुड को काट के आइडल बनाना शुरू करता है उनका इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो जा रहा है या फिर वो सारे आर्टिस्ट अपना बना नहीं पा रहे मूर्ति। तो किंग बहुत सैड हो गया। तो अचानक से एक आर्टिस्ट आया, उसका नाम था अनंत महाराणा, मींस ही वाज लॉर्ड ब्रह्मा ओनली, ओके। सो वो एक इंसान के रूप में एज आर्टिस्ट बन के आया ना, उन्होंने बोला कि मैं बनाऊंगा ये मूर्ति, ठीक है। पर उनकी एक शर्त थी, उनकी शर्त ये थी कि जब तक मैं मेरा काम पूरा कंप्लीट नहीं कर लेता ये जो डोर्स है ये क्लोज रहेंगे एंड कोई मुझे नहीं देखेगा यहाँ से। तो किंग ने बोला ठीक है, विल एग्री टू दिस शर्त, वो लोग अग्री हो गए। तो इसके बाद दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, वो अपना काम करते रहे, और जो किंग था वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया कि यार इतना महीना बीत गया, साल बीत गया, अभी तक मूर्ति बन के रेडी नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, इम्पेशेंट होकर दरवाज़ा खोल दिया, ठीक है। जैसे दरवाज़ा खोला तो वो देख रहा है सामने कि उस वुड के टुकड़े से सिर्फ भगवान का मुख बना है, बड़ी बड़ी आँखें, ठीक है, बस इतना ही बना हुआ है। एंड जो आर्टिस्ट वो बना रहा था वो अचानक से वैनिश हो गया, मीन्स गायब भी हो गया। तो किंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि अरे हाँ, इसने तो शर्त मुझे कहा था कि जब तक बन के रेडी नहीं हो तब तक खोलना नहीं, और मैंने खोल दिया, अब मैं क्या करूँ। तो तब ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि ठीक है, चलो तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, पर जितना भी बना है, जैसा भी बना है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना है, एंड मैं खुद प्रीस्ट बन के आऊँगा एंड इस मूर्ति जो बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करूँगा लॉर्ड विष्णु का। सो किंग थोड़ा हैप्पी हो गया एंड उसने बोला कि उसको तो ड्रीम था कि विष्णु जी के नाम पे वो ये मंदिर बनाएंगे। सो उनने ये पूरा पूजा किया एंड ये पूरा मंदिर रेडी हुआ, इसलिए जगन्नाथ जी का जो फेस है, जो तीन आइडल्स है,
जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा, उन सब का जो फेस है वो सिर्फ इतना ही है, उनके हाथ पैर, लिम्स, लोअर बॉडी, नेक वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ मुख बना हुआ है। सो इतनी ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी थी। एंड वो लोग ये मेन टेम्पल जो है पुरी से 2 miles अवे है गुडीचा। सो गुडीचा इज द किंग इंद्रद्युम्न'स क्वीन। ओके, वहाँ जाते हैं 2 miles, वहाँ पे कुछ दिन रुकते हैं एंड देन जब वो रिटर्न आते हैं, रिटर्न आते टाइम एक मौसी मास टेम्पल है, हर मैटरनल आंट्स, ठीक है, मैटरनल आंट का एक घर जैसा है, तो वहाँ पे भी कुछ 6-7 दिन रुकते हैं एंड वहाँ पे वो खाते हैं पोढ़ा पीठा। इट इज़ अ काइंड ऑफ पैनकेक दैट भगवान जी को बहुत पसंद है, तो वो खाते हैं वहाँ पे एंड देन वापस रिटर्न आ जाते हैं मेन टेम्पल में। सो यही कुछ 10-12 days का ये पूरा यात्रा रहता है। रिटर्न आने के बाद भी भगवान को बहुत अच्छे से सोने से सजाया जाता है, 200 किलो, 900 किलो सोने से ब्यूटीफुली जगन्नाथ जी को सजाया जाता है एंड डिवोटीज इन्जॉय दिस फेस्टिवल। सो ये बहुत ही अमेजिंग, मीन्स आज तक हम नहीं जा पाए पुरी को दर्शन करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पुण्य काम किया रहता है या बहुत अच्छे कर्म किए तभी जाके लोग जो है ना पुरी में दर्शन कर पाते हैं। सो अब तक हम तो नहीं जा पाए, बहुत बार ट्राई किया लेकिन अब तक हो नहीं पाया। सो पता नहीं कब जाना होगा। एंड 4 धाम में से 1 धाम कहा जाता है पुरी को विजिट करना। सो मेरा तो बहुत इच्छा है कि मैं जाऊँ एक बार वहाँ पर दर्शन करूँ भगवान के। तो यही स्टोरी थी, आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। ये मेरा वर्जन था, इसमें अगर कुछ गलत सलत इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं और जो मुझे पता था, जैसा मुझे पता था मैंने आप लोग के संग शेयर किया। सो इसी के संग आज व्लॉग की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।